देखो क्यों रो रहा है पगले, दिल तो मेरा टूटा है ना। मैं रो नहीं रही थी, मैं तो प्याज काट रही थी। संजू, हाउ डेयर यू, तू कल मूवी के लिए क्यों कंगन जमना बाहर जा रहा है? तुझे शादी तो मुझसे करनी है ना। देख यार स्वीटी, अगर मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ ना, तो मैं तुझसे शादी भी नहीं कर सकता हूँ। तेरी हिम्मत कैसी मुझसे प्यार नहीं करने की? स्वीटी आई एम सॉरी, मैंने बोला ना, देख अगर मैंने तुझसे अभी शादी कर ली ना, तो तेरे लिए भी धोखा होगा और मेरे लिए भी। स्वीटी तुझे एक ना एक दिन तेरे सपनों का राजकुमार जरूर मिलेगा। संजू, संजू रुक जा, मैं तेरा खून पी जाऊंगी और किसी और से प्यार मैं कभी नहीं करूंगी। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू। आप कौन हो देवी? स्वीटी। सुंदरी स्वीटी, क्या आप हमें राजकुमारी सुनैना के स्वयंवर का मार्ग बता सकती हैं? इसको तो नया प्यार होने में एक मिनट भी नहीं लगी। वाओ, महाराज की जय हो। महाराज, आपने नायक फिल्म देखी है जिसमें वो अमरीश पुरी अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बना देता है? महाराज अर्थात वगैरह छोड़िए, मुझे ना आपकी हेल्प की जरूरत है। मुझे ना बस एक छोटे से गांव का राजा बना दीजिए बस, नहीं तो वो जो मेरा ससुर सांड सूर्य भान है ना, वो सुनैना के स्वयंवर में मुझे हिस्सा लेने नहीं देगा। बस इतनी सी बात, हम तुम्हें एक क्या दो गांव के राजा बना देते हैं, जाओ। क्या बात है महाराज, वाह आप तो काफी अच्छे मूड में लग रहे हैं, थैंक यू। क्योंकि हमारे यहाँ एक नन्ना मुन्ना सा गोलू बोलू सा आने वाला है। अच्छा, उत्तरी उत्तरी, महाराज ने सेंचुरी के बाद सिंगल भी निकाला था। महाराज बधाई हो, आप तो अपना रिकॉर्ड बीट करते जा रहे हैं। यदि आज तुम हमसे हमारा आधा राज्य भी मांगते तो हम दे देते। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। विजयी भव माँ शांति संजय, हम अपनी आंखों से तुम्हें घोड़ी चढ़ते देखना चाहते हैं। अच्छा ठीक है महाराज। महाराज महाराज कहाँ है आप? हाँ, 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 आप वही रहिए, हम आ रहे हैं। हाँ वही रहिए। गांधारी हमारा जी। आओ 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 आओ। ओह महाराज ये क्या है? हम तुम्हें ऐसे उपहार देने वाले हैं जिसे देखकर तुम चकित रह जाओगी। हाँ? देखो। अरे वाह महाराज, ये हम क्या देख रहे हैं? हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ देखो, ये झूला और झूले में गुड़िया, ये खिलौने, ये सब हमारे आने वाले नए गोलू मोलू छोनू मोलू के लिए है। महाराज हमारे पास भी आपके लिए एक उपहार है जिसे देखकर आप भी चकित रह जाएंगे। वाह, पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। बंद कर ली। दासी महाराज ये लीजिए। गांधारी, ये आपने क्या पकड़ा दिया? अरे महाराज यही तो है वो नन्ना मुन्ना सा गोलू मोलू सा। ये है।
स्वयंवर में इच्छुक और भी कोई राजा या राजकुमार है कि नहीं? हम है ना, हमारा नाम लिखिए। संजय, महासारथी संजय। ये कोई राजसी व्यक्ति नहीं है, ये महाराज धृतराष्ट्र का सारथी है। स्वयंवर की नियमावली स्पष्ट है, इसमें केवल राजसी रक्त वाले व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं। नवयुवक, तुम चले जाओ यहाँ से। देखिए अंकल जी, मेरे पास दो गांव हैं, मैं रुक जाओ। को थोड़ा राउंड घुमा के लगा के रजनी बताते हैं कि ये कौन है। संजय हमारा महासारथी नहीं, पुत्र के समान है। हमने इसे जन्म नहीं दिया, ना पाल पोस के बड़ा किया, हमने सीधे सीधे इसे दो गांव का राजा बना दिया। ये देखो सर्टिफिकेट है। राजा बनाए नहीं जाते, राजा जन्म लेते हैं। हमारी भांति हम इसे राजा नहीं मानते। अरे ससुर जी, क्या बात कर रहे हो आप। ऐसी ही सिचुएशन जब महाभारत में हुई थी तो दुर्योधन ने कर्ण को राजा बनाया था, मैंने खुद टीवी में देखा है। ये क्या बकबक, अति बकबक कर रहे हैं। महाराज हमारे विचार में चुप, अति चुप। अरे ससुर जी, राजा तो हम बन ही गए, अब जमाई राजा भी बना लो। महासारथी संजय, आप यहाँ से जा रहे हैं या हम आपका सर धड़ से अलग करते हैं? अरे ये पागल के पग में सब। महाराज महाराज तलवार, हम भी देखते हैं कि तुम कैसे संजय को स्वयंवर में भाग लेने से रोकते हो। महाराज धृतराष्ट्र, रुक जाइए पिताश्री, लेने दीजिए इस सारथी को भी स्वयंवर में भाग। सुने नाम, ये सुजा देखा कितना प्यार करती है मुझसे। हम चाहते हैं कि सारे संसार को ज्ञात हो जाए कि ये कितना मूर्ख, निर्लज, निकम्मा और कायर है, और स्वयंवर के पश्चात इस संसार में जहां भी जाए इसे लज्जित होकर अपना मुंह छिपाना पड़े। सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। एक बार गुरुकुल में हमने ऊपर ऐसा बाण चलाया कि वो वापस नीचे ही नहीं आए। अति है। फिर क्या हुआ वीर राजकुमार पुरुषोत्तम? 5 दिन के पश्चात वो बाण नीचे आकर गिरा। 5 दिन? आपका बाण तो कुछ भी नहीं है, हमारा बाण तो 28वें दिन नीचे गिरा, वो भी एक पत्र के साथ। पत्र में क्या लिखा था? यदि कोई बाण चंद्रमा पर आया तो वापस नहीं किया जाएगा। मतलब चंद्रमा? ना ना, बाण। महासारथी संजय, हाँ आप भी बताइए आपने कौन सा पराक्रम किया है। सारथी को कहाँ बाण चलाना आता है। वैसे हमने भी आसमान में एक बाण मारा था और वो बाण जब वापस नहीं आया तो हमने उसके पीछे दूसरा बाण मारा, और वो जब दूसरा बाण भी वापस नहीं आया तो उसके पीछे हमने तीसरा बाण मारा, उसके बाद फिर हमने और एक बाण मारा, और फिर हम बाण चलाते गए और एक भक्त, अति भक्त। कब तक बाण चलाते रहेंगे? अरे ससुर जी, उसके बाद आसमान तक जो सीढ़ी पूरी हुई ना, उन सीढ़ियों पर चढ़कर जो पहले बाण हमने मारा था उस बाण को अपने हाथों से पकड़कर वापस ले आए। अरे सोनिया, पागल हो गई है क्या? हाँ
स्वयंवर के पहले ही अपने वर को मार दोगी? यदि तुम एक बाण इस बाण के पीछे मार दोगे तो हम तुमसे अभी विवाह कर लेंगे। किंतु हमें ज्ञात है कि तुम बाण नहीं केवल मुंह चला सकते हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं पुत्री, चलाइए अति चलाइए। संजय 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 संजय, चुप करो यार, चुप करो। क्या संजय संजय लगा कर रखा है? देखो भाई लोग, मैं आप लोगों के साथ ये नाइंसाफी नहीं करना चाहता, तो कल स्वयंवर में ही जब आप लोग बाण चलाएंगे तब हम बाण चलाएंगे। और तुम चिंता मत करो सोनिए, ससुर जी का दामाद तो मैं ही बन के रहूंगा, देख लेना। संगीत तो आप क्या कह रहे थे? भानु क्षमा करना, हमें आने में थोड़ा विलंब हो गया। वो तुम्हारा निमंत्रण पत्र बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मिला ही नहीं। हमने भेजा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ? हाँ, घर के व्यक्ति को निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? कारण कारण बताओ ऋतु, बिना कारण तो तुम यहाँ आओगे नहीं। भानु प्रिय भानु, हमें भी स्वयंवर में भाग लेने दो ना। क्या? धिक्कार, अति धिक्कार, तुम्हें लज्जा नहीं आती ऋतु? तुम हमारे काकाश्री समान हो और हमारे जमाई बनना चाहते हो? अरे चुप, गांधारी और हम स्वयंवर के अवसर पर नृत्य करना चाहते हैं। अरे सुनैना हमारी पुत्री समान नहीं है क्या? सुनैना सुनैना। दामोदरी कहाँ है? वो निकम्मी निर्लज्ज निकट्टू। हाँ भाई, हमने नहीं उसे देखा। अरे कुछ ही देर पहले तो तुम अपने सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए उसको लेकर गई थी। हम तुम्हें क्यों बताएं कि हम ही उसे चतुर नेत्र ऋषि के कक्ष में पहुंचाने गए थे। क्या? और चार आंखों वाले चतुर नेत्र ऋषि ने उसे मूर्ति बनाकर वहीं रख लिया है, किंतु हम ये तुम्हें क्यों बताएं?